बिल्कुल सर, तो हम बात करेंगे कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंस कंडीशन की। लॉरेंस कंडीशन की कोवेरिएंट फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लॉरेंस कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं। ये लिखी हुई है सिंपल लॉरेंस कंडीशन, ये क्या है, डेल्टा डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली ओवर कर्ली टी ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो। ये है सिंपल लॉरेंस कंडीशन, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, वन ओवर सी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह वन ओवर सी स्क्वायर लिख दिया, बाकी सारी इक्वेशन ऐसी रही। अब देखें इस वाली इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है। ये डेल डॉट की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, डेल डॉट ए की जगह हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखी हुई है। हमें पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट के साथ लेते हैं तो वो डाइवर्जेंस होती है, और जब इसी कहीं हम क्रॉस निकालना चाहे तो वो कर्ल होता है, ठीक है। तो इसको डाइवर्जेंस ऑफ ए के साथ में लिख दिया और इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख दिया। अब देखें इस इक्वेशन को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करें, आयोटा के साथ डिवाइड भी करें, ऊपर भी आयोटा आ जाएगा और नीचे भी आयोटा आ जाएगा। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो कर्ली के साथ वाली चीज़ है ना, ये सारी चीज़ ऊपर जो लिखी हुई है इसको हम ए ऑफ द म्यू का नाम दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ए ऑफ द म्यू का नाम दे दिया, ठीक है, ओके। और ये जो नीचे वाली सारी चीज है इसको एक्स फोर कहते हैं, एक्स म्यू कहते हैं, ठीक है। अब ए ऑफ म्यू एंड एक्स ऑफ म्यू ये दोनों वैल्यूज उठाकर ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट करें, ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट किया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब हमें पता है कि ए ऑफ द म्यू या किसी भी चीज जो म्यू के साथ नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फोर वैक्टर, फोर वैक्टर यानी कि चार कॉम्पोनेंट होंगे, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो फिर इस वाली सारी चीज को हमने फोर वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ये देखिए नीचे लिखा हुआ इन फोर वेक्टर, फोर वेक्टर में लिख लिया। ये म्यू की वैल्यू वन टू थ्री फोर होती है ना, इस तरह से इसके तीन पार्ट, एक टाइम पार्ट और बाकी स्पेस पार्ट होते हैं, आप ये बात जानते हैं, ओके। तो अब ये वाली चीज़ जीरो हो गई, ठीक है। जब ये चीज़ जीरो हम यहाँ से कह देते हैं तो फिर क्या बनेगा, कर्ली ओवर कर्ली एक्स के नीचे म्यू, ये वाली सारी चीज़ क्या बनेगी, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है ये होता है डी एलेम्बर्शियन, ठीक है। ये डी एलेम्बर्शियन ऑपरेटर होता है, ये फोर डायमेंशनल ऑपरेटर होता है, तो ये डी एलेम्बर्शियन का स्केयर स्केयर यहाँ पे लिखा हुआ है, डी एलेम्बर्शियन है, तो डी एलेम्बर्शियन ऑपरेटर आ गया। तो ये ऊपर वाली क्वेश्चन क्या बन गई, जो कर्ली ओवर कर्ली एक्स के नीचे जो म्यू है उसकी वैल्यू हमने दी हुई है डी एलेम्बर्शियन का स्केयर ए ऑफ द म्यू, ऐसे ही आगे इज इक्वल टू जीरो। और यही वाली चीज़ जो है ये लॉरेंस कंडीशन की कोवेरिएंट फॉर्म है।